सबका बॉस स्टूडियो में आज के इस गाने के लॉन्च में स्वागत है। जैसा आपने कहा कि गाने के लिए क्या हमें करना पड़ा, सबसे पहले जब हमने लिरिक्स देखे और फिर मयंक भाई का कंपोजिशन सुना तो थोड़ा मैं अटैच हो गया, तो मैंने बोला आप गाना बनाओ, और उन्होंने गाना फिर अच्छे से बनाया, कंपोज हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, फिर गाना कंप्लीट होने के बाद जब सुना तो और अच्छा लगा, तो मैं बोला इसका वीडियो भी बनाओ आप। तो फिर मनाली साइड जाके इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो भी अच्छा लगा, तो फिर हमने सोचा चलो इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे देवे, इसलिए हमने जीए टेलीविज़न को अप्रोच किया, तो उन्होंने भी पसंद आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आज ये मौका आ गया कि जी के माध्यम से गाना लॉन्च हो रहा है। तो मैं जी का भी आभारी हूँ और आप सबका आभारी हूँ, थैंक यू। मयंक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि गाने की प्रोसेस तो बता दी उन्होंने, गाने के बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को कि किस तरह का गाना है और ऑडियंस को किस तरह से एंटरटेन करेगा ये गाना। मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना बहुत अच्छा है, रोमांटिक सॉन्ग है और इतना अच्छा कंपोजिशन है, और फिर इतना अच्छा प्रेरणा जी ने और रोहित भाई ने इतना अच्छे से गाया, अर्जुन ने इतना अच्छा सब एक्टिकल, मतलब बहुत अच्छा गाना है, आप उस पर जाके देखिए, आपको पसंद आएगा गाना, बहुत अच्छा है। रोहित जी, आप बताइए एज ए सिंगर गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और अगर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया गया इस गाने के लिए। मैं और मयंक भाई तो काफ़ी एक साल हो गया, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, बट टेक्निकल साइड से जानते थे हम लोग की प्रोग्रामिंग हो गया, मिक्सिंग मास्टरिंग, तो धीरे धीरे पता चला कि ये बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, तो इन्होंने बोला एक कॉम्पोजिशन है अगर आप गा दो, और इनको मेरी आवाज़ जब जिस दिन स्टूडियो आए थे, मतलब फर्स्ट डे से जब से हम लोग मिले हुए तब से ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कुछ करेंगे। मैं सोचा कि क्या, मतलब कंपोजिशन के बारे में नहीं पता था कि ये कंपोज करते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी कंपोजिशन सुना, फिर अच्छी लगी काफ़ी, तो फिर हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया और अब गाना आया है जी म्यूज़िक पे, अच्छा लग रहा है, लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली हैप्पी। प्रेरणा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और आपको कैसे अप्रोच किया गया, जैसे राहुल जी को तो पहले से दोस्त थे, लेकिन आप बताइए आपका क्या, कैसे ऑन बोर्ड आया जी। सबसे पहले तो सबको वेलकम एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर, एंड बहुत ही प्यारा गाना है, इट्स अ वेरी रोमांटिक ब्यूटिफुल सा गाना, और नए साल में नया गाना, नया समथिंग रोमांटिक, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड मयंक जी ने बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन की हुई है, जैसे रोहित जी ने कहा, और रोहित ने भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे फील से उन्होंने गाया, तो वैसे मैं बॉस स्टूडियो के साथ मतलब काफ़ी हमने गाने किए हुए हैं, एंड पंकज जी का एक्चुअली अप्रोच आया कि वाई डोंट यू नो सिंग फॉर अस, सो मैंने गाना सुना, कॉम्पोजिशन बहुत ही प्यारी लगी, एंड इस तरीके से थोड़ा सा हमारा एसोसिएशन ऐसा आगे बढ़ा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर, और थोड़ा सा अगर बताएं गाने के बारे में, क्योंकि सर ने कहा कि मनाली में शूट किया गया है, तो एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना शूट करने का। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा गाना बने मेरे लिए या ऐसा कुछ क्रिएट हो जो वादियों से रिलेटेड हो, क्योंकि जो फील जो वादियों में होता है ना, जो मज़ा होता है, जो रोमांटिक फील होती है, जो वाइब्स हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और साथ में काम करके भी बहुत मज़ा आया। इन लोगों ने इतनी अच्छी कंपोजिशन की है, इन्होंने रोहित भैया ने इतना अच्छा गाया है, प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा गाया है, और सर ने मुझे इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, सो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू एवरीबॉडी, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हमारा जो गाना है अभी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है अभी, सो थैंक्स टू एवरीवन। पंकज सर, आपसे जानना चाहूँगा बॉस स्टूडियो के बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को कि क्या है एग्जैक्टली बॉस स्टूडियो, और कौन से प्रोजेक्ट और भी लाइंड अप है बॉस स्टूडियो से। बॉस स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो न्यू कमर्स है मैं उनको आगे लाना चाहता हूँ, जैसे आज आप देख रहे हैं ज़्यादातर सब हम लोग न्यू कमर ही है, जिसमें मैं भी एक न्यू इस लाइन से अलग जुड़ा हुआ, मतलब नया जुड़ा हो, 1.5 साल हुआ ये स्टूडियो हमने मुलुंड में चालू किया है, और लोग सेंट्रल लाइन के जो है वासी और पनवेल साइड के भी है, वो लोग भी काफ़ी खुश है कि हमें लंबा नहीं जाना पड़ता है, और ये बॉस स्टूडियो हमें पास में पड़ता है, तो 1.5 साल में हमने करीब 12-13 गाना बॉस स्टूडियो के लेवल से बनाया, रिलीज़ किया, फिर हमने सोचा चलो एक बड़े लेवल पर भी एक गाना रिलीज़ करते हैं, तो जी को अप्रोच करके हम सक्सेस हो गए, और आज भी हमारे 3 गाने और लड़ी ऑडियो बन चुके हैं, उनका वीडियो शूट बाकी है, आप लोगों को जान के खुशी होगी, जो 22 तारीख को अयोध्या में राम जी का मंदिर
का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए मैंने खुद एक गाना लिखा है दो और लिरिक राइटर से मिलके, और इसकी कंपोजिशन और म्यूज़िक पूरा प्रोग्रामिंग मयंक भाई ने किया है, उसमें प्रेरणा जी ने भी गाया है, और भी जो सिंगर है कोरस है, जो मेल सिंगर है रोमी जी है, उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। अभी एक दो दिन में उसका भी वीडियो बनेगा और 20 या 21 तारीख को वो भी रिलीज होगा बॉस स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से। सर, जैसे आपने कहा कि आप जो है नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी होता है कि क्या ज़्यादा लोगों तक गाना पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, जब नए चेहरे के साथ आप काम करते हो, जो नोन लोग हैं जिसके फॉलोअर्स अच्छे हैं इन दिनों, जो इन्फ्लुएंसर्स और उनके फॉलोअर्स को जिसके अच्छे होते हैं उनको काम दिया जाता है जिससे कि गाना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उस बारे में कुछ बताइए कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था इसके अंदर या फिर? देखिए, हर एक बिजनेस में हर एक काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी टाइप का रिस्क रहता ही है। इसमें रिस्क शायद ऐसा होगा कि मुझे गाने से कोई इनकम ना होवे या मेरे पैसे जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ ना निकले, लेकिन एक बात है कि जितने नए सिंगर्स आप हमारे 12-13 गाने देख लो, उसमें सब नए नए चेहरे हैं, नए नए वीडियोग्राफर हैं, नई नई टीम है, अलग अलग टीम है, अलग अलग बजट से बनाई है, तो उनके लिए तो एक लाइन आगे बढ़ रही है। शायद बॉस स्टूडियो अकेला का फ़ायदा ना हो, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जितने भी अभी तक है 250-300 जन, उनको आज फ़ायदा हो रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि वक्त बताता है कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अभी तो बॉस स्टूडियो 1.5 साल ही हुआ है और उस हिसाब से काफ़ी तरक्की की है। हालांकि मैं पूरा म्यूज़िक लाइन से था नहीं, मेरे लिए पूरी ये लाइन नहीं थी, गाने कैसे बनते हैं, मिक्सिंग मशीन क्या है, टेक्निकल क्या है, वीडियो कैसे बनते हैं, फ्रेमिंग क्या होता है, आज मैं खुद भी काफ़ी सीखा उसमें, तो मेरे लिए एक लर्निंग सेशन भी है, प्लस जो आज मेरी एज है वो हिसाब से मेरे लिए एक अच्छा टाइम पास आप बोल सकते हो या अच्छा एक क्रिएटिविटी बोल सकते हो, जिसको मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और आगे भी हम सोचते हैं ये 2024 में करीब 15-20 गाने का प्लान कर रहे हैं। इस वाले गाने में क्या खास, कैसे, क्या कुछ सुनने मिलेगा, क्या है? ये जो आप गाना सुनेंगे, जिन्होंने ऐसे बताया कि वादिया का नेचर का गाना है और थोड़ा सैड भी है तो फील भी है, लव भी है, तो आपको सब देखने को मिलेगा। और प्लस सीनरी जो ली हमने वहाँ पे शूटिंग के हिसाब से थोड़ी तकलीफ थी, बारिश भी बहुत हो रही थी, फिर उसमें भी एक दो दिन हमारा वेस्ट हुआ था, तो आपको सीनरी वगैरह भी वीडियो में अच्छा देखने मिलेगा। जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि नए चेहरों के साथ वो काम करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉस स्टूडियोज़ के साथ और पंकज सर के साथ? ओवरऑल अगर वीडियो देखेंगे पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब जिस हिसाब से डिजाइन हुआ नए लोग को लेके सारा रिकॉर्डिंग मिक्सिंग ओवरऑल पूरा वीडियो तो सब अच्छा ही हुआ है, तो नए लोगों के साथ ऐसा काम निकाला इन्होंने, उसके लिए मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे भी मौका दिया गाने में। तो अच्छा, जब आपके लिरिक्स आपने सर को कहा तो सर का क्या रिएक्शन था, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि जब जो स्टार्ट का प्रोसेस था वो कैसे आगे बढ़ा सर? स्टार्टिंग में मैंने सर को एक बार लिरिक्स सुनाए तो सर को बहुत अच्छा लगा, सर बोले यार इसको कंपोजिशन करो थोड़ा सा एक वादियों टाइप का ही गाना, इनका भी था ऐसे ही कि वैसे ही गाना होना चाहिए, तो फिर मैंने कंपोज किया वैसा और कंपोज करके सुनाया सर को, सर को कंपोजिशन बहुत अच्छी लगी, फिर सर ने बोला कि इसमें देखिए कैसे क्या करना है, फिर हमने रोहित भाई को इस गाने के लिए चुना, फिर प्रेरणा जी ने गाया, तो ऐसे करके बहुत अच्छा गाना बन गया, फिर वीडियो का प्लान किया सर ने, वीडियो बनवाया पूरा सब करके, फिर जी म्यूजिक सर रिलीज। गाना सोलफुल है तो मेलोडी इसकी अच्छी है और मतलब ओवरऑल अभी वैलेंटाइन मंथ भी है तो सारे प्यार करने वालों के लिए एक तोहफा है हमारी तरफ से, तो इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एंड प्लस सिंस आजकल जितने भी गाने हैं उनके जो हुक लाइन है वो बहुत ही कैची होते हैं, तो हमारे इस सॉन्ग का जो हुक लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कैची है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये ट्रेंडिंग पर तो आई थिंक ज़रूर जाएगा, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग और समथिंग कुछ नया है, वीडियो एंड द कंपोजिशन, द लिरिक्स, द एक्टर्स, एवरीथिंग इज मतलब कंबाइन होके एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। आई थिंक आप सब गाना देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एंड थैंक यू सो मच एज वेल टू मिस्टर पंकज बॉस स्टूडियो एज वेल एज ऑल्सो सो फॉर जी म्यूजिक फॉर गिविंग अस द चांस टू यू नो गेट आर सॉन्ग ऑन द प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। अर्जुन, आप कुछ कहना चाहेंगे? गाना बहुत अच्छा है और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक बार सब इस गाने को देखें
क्योंकि ये गाना लव इन फर्स्ट साइट है। जब आप किसी लड़के या लड़की से जब आपको पहली बार प्यार होता है ना, तो ये गाना आपको पूरी स्टोरी दिखाता है कि कैसे आप मिलते हो, बिछड़ते हो, लड़ते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या कहीं भी आप होते हो तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल जाता है, पर ये गाना उस चीज़ को पूरा सेटिस्फाई करता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप इसको देखें सुने, और गाना बहुत अच्छा है और सबने बहुत मेहनत और शिद्दत से बनाया है। सो बस यही कहना चाहता हूँ। फैन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा गाना है, आप एक बार जाके देखें इसी म्यूजिक पर। थैंक यू सो मच। चेहरे पे इतना नूर है, आँखों में इतना प्यार है, आज देखा तो ऐसा लगा जैसे मिले हम कई बार हैं। देखा पहली दफा मैंने, मुझे तुमसे प्यार हुआ है। देखा पहली दफा मैंने, मुझे तुमसे प्यार हुआ है। वाह।